And a major embarrassment for the BJP. The son of Haryana State BJP chief Subhash Barala's son Vikas Barala and Ashish Kumar were arrested and then released on bail shortly after for allegedly stalking a woman. Now the victim has accused Vikas and his friend for stalking under the influence of alcohol. But what is even more appalling is the police trying to shield the VVIP brat. Now the police first neglected the abduction charges against the VVIP brat and then shielded him from the media while addressing a news conference. मैं चलती रही 26 सेक्टर में मैं मुड़ने लगी तो उन्होंने अपनी गाड़ी आगे लगा के मेरी गाड़ी ब्लॉक कर दी और इतने में जो ड्राइवर के साथ बैठा था वो गाड़ी से उतर के मेरी गाड़ी की तरफ चलने लगा। इस टाइम पे मैंने रिवर्स करके और गाड़ी वहां से भगा ली और मैंने पुलिस को फोन कर दिया और वहां से 7 सेक्टर से लेके और हाउसिंग बोर्ड चौक तक इन लड़कों ने सारे रास्ते मेरे को तंग किया। सारे रास्ते वो बार बार मेरी गाड़ी के पास आते रहे, मुझे डरा के रोकने की कोशिश करते रहे। मैं चलती रही हाउसिंग बोर्ड चौक पे, उन्होंने फिर मेरी गाड़ी रोकी और फिर वहां मेरी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक किया। फिर पैसेंजर सीट से लड़का उतर के आया, मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था। इतने में मैंने निकाली और मैंने देखा कि आगे से पुलिस आ रही। तो इतने में लड़के ने आके मेरी पीछे खिड़की पे जोर से हाथ मारा, मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। सेंट्रल लॉकिंग थी इसलिए वो खुला नहीं और फिर इतने में पुलिस आ गई तो पुलिस ने आके उनको पकड़ लिया और मैं वहां से चली गई। Well, the flip-flops by the police has raised several questions on the police of Haryana. First, they neglected the charges of abduction from the FIR, which is a non-bailable offence. Then they also shielded the accused from the media, putting the onus on the victim, adding the charge later after there was outrage over the incident. 164 ke statement ke baad hum section 341 IPC, 365 IPC, 511 IPC add kar rahe hain, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और अटेम्प्ट टू किडनैप, और इसमें इनको अरेस्ट किया गया है दोनों अक्यूज को और अरेस्ट करके अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये जो दवाई है ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? ये तो इसमें मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है? 7 to 10 ईयर्स तक की है, लेकिन वो तो कोर्ट में ट्रायल के बाद लड़की की स्टेटमेंट में जो भी आया है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या हम लड़कों को जमानत दे देंगे? उसमें साफ देखा हुआ है फेसबुक की स्टेटमेंट लड़की की और 164 के बयान में काफी फर्क है। हाँ, बेलेबल दे दी गई है, बेलेबल ऑफेंस है ये। जमानत दे दी गई है? हाँ, जमानत शुरू पहले वाले जो सुबह जो केस हुआ था जो धारा अट्रैक्ट हुई थी उसमें दे दी गई है। इसमें हम इसमें भी अवेलेबल ऑफेंस है। उस टाइम तक मेरे पास कॉपी नहीं आई थी, ओरिजिनल कॉपी कॉपी आ गई है 164 की। 164 की स्टेटमेंट में लड़की में कहीं भी किडनैपिंग का जिक्र नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ 341 का जिक्र है, वो हमने ऐड कर दिया है। और फर्दर कोई अगर सेक्शन बनेगा तो हम उसमें लीगल ओपिनियन लेके लगाएंगे उसमें। अभी क्या हम माने कि बस थाने से पुलिस थाने से यहाँ से जमानत मिल जाएगी विकास बराला को? हाँ जी, हाँ जी। कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं है? नहीं, अभी जरूरत नहीं है।